हाय गाइस, तो कैसे हैं आप? फिर से वेलकम है मेरे चैनल पे। आप देख रहे हैं अलीज़ा हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम जो ब्लीच क्रीम है उसको, इसका सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। कुछ लोग ब्लीच क्रीम को लगाने से डरते हैं, तो प्लीज़ डरिए मत। ये बहुत ही अच्छी ब्लीच क्रीम है, आप केयर यूज़ कर सकते हैं, एंड पार्ले है वो यूज़ कर सकते हैं, ओलिविया वाली यूज़ कर सकते हैं, जो आपका दिल करता है आप यूज़ करें। लेकिन मैंने जो केयर ब्लीच क्रीम इसका इंतखाब किया है, आप जो मर्जी यूज़ करें, मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगी कि ब्लीच क्रीम से कोई नुकसान नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं होता। आज मैं आपको बताऊंगी कि ये जो ब्लीच क्रीम है, इससे आप जो फेशियल करवाते हैं 2000 वाला, वो इस ब्लीच क्रीम से आपको दिखेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जो आप 2000 पे करते हैं वो आप घर में ही कर सकते हैं। ये फेशियल आप गोरा बनने के लिए कितना कुछ करते हैं, डॉक्टर से क्रीम पूछते हैं, इतने ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो आज मैं ₹10 में आपको बताऊंगी कि आप इस ब्लीच से आप अपनी स्किन का फेशियल कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना तो मत ही भूलें, ताकि मेरी आने वाली जो हर नई वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। तो सबसे पहले आपने जो काम करना है वो ये करना है कि इस ब्लीच क्रीम के अंदर एक प्रिकॉशंस वाला पेज होता है, वो आपने निकालना है। उसके ऊपर सबसे पहले यही लिखा होता है कि इस ब्लीच क्रीम को यूज़ करने के सिर्फ 15 मिनट्स होते हैं। ये देखें, आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। लेकिन कुछ लोग जो केयरलेस होते हैं, जो अपनी अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, मैं तो यही बोलूँगी कि वो 15 मिनट से ज़्यादा 20-25 मिनट तक उसको लगाते हैं, उसे लगाने से उनका नुकसान ही होता है, उनकी स्किन डैमेज हो जाती है, फिर वो सारा ब्लेम जो है वो ब्लीच क्रीम पे डाल देते हैं। इसको हमने यूज़ किया है तो हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, लेकिन गलती उनकी होती है। जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, आपने इससे 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं लगाना, क्योंकि हमने अपनी जो है हमारी स्किन पे डेड जो स्किन हो जाती है उसको हमने रिमूव करना है। और सेकंड जो है, हमारे जो हेयर्स होते हैं फेशियल पे, में हमारे फेस पे फेशियल हेयर, उसको हमने ब्राउन करना होता है, गोल्डन करना होता है, अपनी स्किन पैच के साथ मैच करना होता है। तो इसलिए 15 मिनट्स इनफ है, क्योंकि हमने जो हमारी जो डेड स्किन के नीचे वाली प्रोटेक्टिव लेयर है उसको हमने नहीं छेड़ना। तो प्लीज़ आपने 15 मिनट्स तक ऐसे ही ब्लीच क्रीम यूज़ करनी है, उससे 1 मिनट भी आपने ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, क्योंकि इसके अंदर जो एक्टिवेटर होता है, एक्टिवेटर जो है हमारी स्किन की जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको डैमेज कर देता है। अगर आप 15 से 16 मिनट तक भी इसको लगाएंगे तो आपकी जो स्किन है वो डैमेज हो जाएगी। तो इसमें आपका ही कसूर है, आप ज़्यादा गोरे बनने के चक्करों में अपनी स्किन को डैमेज ना करें। इसलिए मैं आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी लेके आई हूँ कि कुछ लोग ब्लीच क्रीम इसी वजह से यूज़ नहीं करते, वो गलती उनकी होती है कि वो ज़्यादा टाइम इसको लगाते हैं ताकि हम ज़्यादा गोरे हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप जितना ये टाइम रिक्वायर्ड होता है, आपने उतनी ब्लीच क्रीम अपने फेस पे अप्लाई करनी है। अप्लाई करने के बाद 15 मिनट्स इनफ होते हैं, उसके बाद आपने ठंडे पानी से वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने अपनी स्किन को कोई मॉइस्चराइजिंग जो भी क्रीम है आपने वो यूज़ करनी है। 24 घंटे तक आपने कोई सॉप कोई मेकअप प्लीज़ ना यूज़ कीजिएगा, अगर आप अपनी स्किन की केयर करना चाहते हैं तो। आई होप सो मेरी आज की यूज़फुल वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर कमेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, डोंट मिस एनी अपडेट्स फ्रॉम अलीज़ा हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। बाय बाय।